और ये हम सभी जानते हैं, अलर्ट रहने के लिए जरूरी है कि हम अवेयर हों, जागरूक हों। हमें पता तो है कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, और ऐसे ही आपके आसपास की तमाम की खबरों जो अपराध से जुड़ी हों उन्हें जोड़कर हम ले आते हैं क्राइम डायरी में। देखिए आप भी। गाजियाबाद पुलिस ने बिना गोली बिना लाठी चलाए बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया, साथ ही सही सलामत उत्तराखंड से कांग्रेसी पार्षद अमित मिश्रा को रिहा करवा लिया। रुद्रपुर से कांग्रेसी पार्षद अमित मिश्रा को 17 तारीख को अपहरणकर्ताओं ने किडनैप कर लिया था। बदमाश परिवार को फोन करके 40 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। उत्तराखंड पुलिस ने जब बदमाशों की लोकेशन निकाली तो वो ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर निकली। उत्तराखंड पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस से इस मामले में मदद मांगी। एसपी रूरल नीरज जादौन ने ऐसा जाल बिछाया कि बदमाश आखिरकार अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। सब ठीक पाने पर गाजियाबाद पुलिस ने अपहरण को उत्तराखंड पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तराखंड की पुलिस ने गाजियाबाद एसएसपी सर से बात की थी और मदद मांगी। सर ने मुझे निर्देशित किया था कि उनकी ये मदद की जाए, तो 17 तारीख की शाम से ही हमने सारी फोर्स एक्टिवेट कर दी थी। पूरा लोनी हमने सील कर रखा था, बहुत चेकिंग लगा रखी थी पॉइंट पॉइंट में। इसके साथ ही साथ पेरीफेरल पे जो भी एग्जिट एंट्री है हमारे डासना से लेके फिर बीच में दोहाई पड़ता है, इनफैक्ट हम लोग बागपत में भी हमने टीम लगा रखी थी खेतड़ा, और बीच में जो भी अंडर पासेस थे जो पेरीफेरल के पुल बने हुए हैं जहाँ नीचे से रोड निकलता है वहाँ पर भी हमारी टीमें लगी हुई थी। तो पूरा प्रेशर बना हुआ था। उन्होंने फिरौती मांगी थी, करीब 20 लाख मांगी थी। अमित मिश्रा नाम के व्यक्ति को छोड़ के चले गए राजनगर स्टेशन के पास। हमारी टीम फिर वहाँ पर गई, उत्तराखंड की पुलिस भी थी वहाँ पर। इनको अस्पताल पहुँचाया गया, इनका प्राथमिक उपचार किया गया, उसके बाद इनको उत्तराखंड की पुलिस उत्तराखंड लेके चली। मुरादाबाद में मंत्री चेतन चौहान के फार्म हाउस से चोरों ने 8 सोलर पैनल चोरी कर लिए। हैरत की बात यह है कि थाने से कुछ ही दूरी पर मंत्री जी का फार्म हाउस है। मुरादाबाद पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कोहरे की वजह से बदमाश वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शक के आधार पर एक बदमाश को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। मंत्री के रिश्तेदार जो फार्म हाउस की देखरेख करते हैं उनका कहना है कि इससे पहले भी लगभग 1 महीना पहले फार्म हाउस पर चोरी हुई थी। अब लगभग 3 लाख के सौर ऊर्जा के पैनल चोरी हुए हैं, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मंत्रियों के यहाँ चोर वारदात को अंजाम देने से नहीं डर रहे हैं तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या हाल होगा। उनके परिवार का एक प्लाट है खेत, उसमें से ये सौर ऊर्जा के पैनल 8 चोरी हो गए 18/19 की रात, जिसका मुकदमा लिख गया है थाना मुंडा पांडे में, और जिस पर उनको शक था उसको भी इंस्पेक्टर ने वहाँ के बुला लिया है, ले लिया है, पकड़ लिया है, पूछताछ चल रही, जल्दी वर्कआउट कर लिया जाएगा। थाने से कितनी। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।